नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूं, वो प्लांट ही नहीं, वो एक पूजनीय भगवान के रूप में हर घर में पूजा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पारिजात का प्लांट दिखाने वाली हूँ। पारिजात आप समझ गए होंगे, हार सिंगार भी कहते हैं हम इसको, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस पे एक वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि इसका मौसम आ रहा है। इवेंचुअली अभी चल भी रहा है, बट मेरा जो प्लांट है, प्लांट के एडेप्टेशन और सीडलिंग करने के टाइम पे फ्लावरिंग निर्भर रहती है। तो इस वक्त जो मेरी फ्लावरिंग है वो इस वक्त निर्भर है जब मैंने इसकी सीडलिंग की होगी। तो मेरे जो फ्लावर्स आते हैं वो हमेशा दिवाली के टाइम में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इस वक्त जो हमारे प्लांट में है वो कलियां आनी इस वक्त शुरू हो गई हैं, और दीपावली पे ये कलियां खिल जाएंगी। तो सीडलिंग पे दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि सीडलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्लांट आपकी कब फ्लावरिंग करेगा। तो फिलहाल तो जब मैंने इसकी वैसे सीडलिंग तो नहीं की थी, हाँ आई एम सॉरी, मैं सीडलिंग तो नहीं की थी गाइस, मैंने हाँ कटिंग लगाई थी। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने कब लगाई, इसका क्या मौसम बन गया सर्दियों का। तो हमारा जो मौसम बना है वो दिवाली के टाइम पे मेन रूप से बन गया है, नवंबर के टाइम में बन गया है इसकी फ्लावरिंग का मौसम। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी केयर बताती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लांट में इस वक्त कोई, इस वक्त ये देखिए, ये कुछ हमला हुआ हुआ है कीड़े वगैरह का। ये देखिए, इन पत्तों को इसने बिल्कुल ऐसे कर दिया है छलनी, और ये छनी छनी सी पत्तियाँ हो गई हैं, और ये कुछ में होल हो गए हैं, ये देखिए। तो आज मुझे इसमें स्प्रे करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये देखिए, ये वाला कीड़ा इसमें इस तरह लग जाता है, और इस ये हाल इनकी पत्तियों का हो जाता है। तो इस वक्त क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम है और मुझे इस वक्त इस प्लांट की बहुत केयर करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे सबसे पहले तो आज मैं इसमें स्प्रे करूँगी। अभी वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे इसमें स्प्रे आज ही करना है, और प्लांट को बहुत ज़रूरत है स्प्रे की। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कलियाँ आ रही हैं। बाकी दोस्तों, इसकी थोड़ी मैं आप लोगों को केयर बता देती हूँ। जैसे अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो अभी आप ये प्लांट लगा सकते हैं, बस फ्लावरिंग आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी। और अगर आप नया प्लांट ला रहे हैं, नया बिल्कुल प्लांट ला रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप बड़ा लाए हों तो आपको फ्लावरिंग मिल जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर ही फ्लावरिंग मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस सॉइल में गाइस एक एक भाग सब कुछ है। एक एक भाग सब कुछ से मेरा मतलब ये होता है कि मैं हर चीज़ को इक्वल ले लेती हूँ। एग्जांपल, आई एम सॉरी दोस्तों, एग्जांपल अगर मैं गार्डन सॉइल ले रही हूँ तो मेरी जो खाद है वो भी इसके इक्वली रहेगी, 50-50 रहेगी। और 50-50 ही नहीं, अगर हम रेता भी ले रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सॉइल के बराबर ही होगा, रेता, और जिसे हम बालू भी कहते हैं, जो घरों में इस्तेमाल होता है गाइस कंस्ट्रक्शंस में, वो बालू आप ले सकते हैं, या फिर आप वेल ड्रेन्ड सैंड भी ले सकते हैं, डेजर्टिक सैंड जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको अवेलेबल हो तो। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरी सॉइल है वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं हो रही है, मॉइस्ट है। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके ये देखिए खोदूंगी तो अंदर मुझे ये मॉइस्ट दिख रही है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन गाइस, इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं होती। अपने प्लांट को ज़रूर चेक कीजिए कि उसे पानी की ज़रूरत है भी, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो आपका जो प्लांट है वो गाइस मर भी सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को दोस्तों इसकी केयर करनी होगी। बाकी आपको नीम ऑयल का मेन रूप से इसमें स्प्रे होता है। नीम ऑयल, पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और अगर फ्लावरिंग ही नहीं आ रही तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं, इस वक्त इसको नीम ऑयल की ज़रूरत है, और क्योंकि पत्तों में हल्की हल्की आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी डस्ट आ रही है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा पेस्ट लगा है जो कि एकदम जा सकता है, या फिर कोई लार्वा, ऐसा कोई इंसेक्ट लगा है जो कि नीम ऑयल से आराम से चला जाएगा। वैसे मेन रूप से आई थिंक इसमें लार्वा ही लगा होगा, क्योंकि पत्तियों का हाल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लार्वा होना चाहिए। सो गाइस, इस तरह से अपने प्लांट की हम लोगों को केयर करनी होती है। बाकी अगर आप नया प्लांट लाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल आपको फ्लावरिंग एकदम दे दे, तो आप अभी लगा सकते हैं, बस उसको जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एंड सीज़न तक आपको फ्लावरिंग मिल सकती है इस फ्लावर की। इस फ्लावर का एंड सीज़न गाइस थोड़ा सा दिसंबर जनवरी के बाद होता है,
फिलहाल मैं अपने मैं हमेशा दोस्तों एक बात कहती हूँ आप लोगों से कि कोई भी प्लांट हो आप लगा रहे हैं, तो अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो आपका जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और जो केयर देख रहे हैं वो आपको सूट करेगी। लेकिन अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो प्लेन एरिया में आप लोगों के लिए मैं अलग से कोई वीडियोस बना दूंगी कि आप लोग अलग प्लेन एरियाज़ में कैसे आप इनकी केयर कर सकते हैं। मैं असल में इस वक्त देहरादून वैली में रहती हूँ, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं मेरे जो प्लांट्स हैं उनका रहना रहने का मतलब एक तरीके से उनका एडेप्टेशन जो है वो अलग है, बिल्कुल उनको रखने का तरीका सब अलग होता है। तो पहाड़ी इलाकों में और प्लेन एरियाज़ में ये बात अलग होती है। इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी आप लोगों की जो केयर हो वो आप एडेप्टेशन के हिसाब से करें प्लांट के। सो गाइज, इसकी बाकी की केयर ज़्यादा कुछ नहीं होती है, बस सॉइल का ध्यान रखना होता है। इस वक्त अगर आपका प्लांट पुराना लगा है तो आप उसे दोबारा से फर्टिलाइज़र देते रहिए। बाकी आप यहाँ पर ये जो आप सॉइल देख रहे हैं इस तरह से, ये आप लोग देख रहे होंगे सॉइल, इसको निकाल लीजिए, ऊपर से थोड़ी बर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए और इस तरह से आप अपने जो प्लांट है उसे फर्टिलाइज़ कर दीजिए और खाद वगैरह इसमें ऐड कर दीजिए। फर्टिलाइज़र इसमें कुछ नहीं है, फर्टिलाइज़र आप इजीली वही दे सकते हैं जो आप बाकी प्लांट्स में देते हैं। अभी मैंने लहसुन का फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था आई एम सॉरी गाइस, अभी मैंने लहसुन का फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था, मैंने अनियन का फर्टिलाइज़र बनाना अपने वीडियोस में बताया है, और लहसुन का तो आप अभी देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले ही मैंने अपलोड किया है अगर आप मेरी आईडी में जाएं तो। वैसे मैं अगर आप चाहें तो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन हो सकता है कभी कभी दोस्तों मैं बोलती तो हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ लिंक प्रोवाइड करना। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एग्जांपल लहसुन प्याज इन सब का दे रहे हैं तो उसके बाद एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा, ऑर्गेनिक में दोस्तों ये होता है, ऑर्गेनिक में फंगस का थोड़ा खतरा रहता है, तो फंगस का खतरा ना हो और किसी और पेस्ट का खतरा ना हो तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर दीजिए, फर्टिलाइज़र के एक दिन बाद कर दीजिए फर्टिलाइज़र देने के, तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा। सो दोस्तों आज की जानकारी मेरी यहीं ख़त्म होती है, और आई एम सॉरी दोस्तों ख़त्म नहीं हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इसकी सनलाइट नहीं बताई। तो दोस्तों सनलाइट इस वक्त आप फुल प्रोवाइड करें इसे, और जब इसमें फ्लावरिंग ना आए तो इसे थोड़ी सी थोड़ा छाया में, थोड़ा सुबह की धूप लगे ऐसे रखिए, और बाकी आप लोग इसे इस वक्त फुल सनलाइट में रखिए क्योंकि इसका ये फ्लावरिंग का टाइम है। दोस्तों ये देखिए इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ धूप नहीं आ रही है, लेकिन इसमें अभी फुल धूप आ जाएगी, अभी धूप वहाँ तक पहुँची है हमारे घर में, अभी यहाँ तक भी आ जाएगी। तो दोस्तों आज की मेरी ये जानकारी यहीं ख़त्म होती है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।